सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अपने लिए नहीं कि भारत की पत्रकारिता इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है, पक्ष की हत्या कर रहा है। उस नेता ने अपने एक इंटरव्यू से लाखों करोड़ की इंडस्ट्री वाले मीडिया को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज़ कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। राहुल गांधी शायद नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कहा भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो उस मामले में मैं उनसे सीनियर हूँ और ट्विटर पर भी मैं उनसे सीनियर हूँ, प्रधानमंत्री से, उनसे पहले आया हूँ ट्विटर पर। उन्होंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो एक मामले में तो मेरी जीत हुई, कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं और ठीक से अच्छे के लिए फॉलो कर रहे हैं। जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि आप ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आरोप की स्वीकृति वो संसद में कर रहे थे, जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए। देखिए अब वो मतदाता को भी कोस रहे हैं, मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं। जो एक बार सांप्रदायिक होता है वो बहुत लंबे समय के लिए सांप्रदायिक होता है, और जो सांप्रदायिक होता है वो उसके साथ साथ हत्यारा भी होता है। अब तो कोर्ट पे भी आप क्या ही कहें, उनका जज लोग दुखी हो जाएंगे कि हमारे बारे में भी छोड़ता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुझ में एक चीज कॉमन है, हम तीनों यूट्यूबर हैं। लेकिन कुछ कुछ अंतर भी है। राहुल गांधी शायद नहीं कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर कहा भी होगा तो मेरे ध्यान में नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो उस मामले में मैं उनसे सीनियर हूं क्योंकि उनके पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो और ट्विटर पर भी मैं उनसे सीनियर हूं, प्रधानमंत्री से, उनसे पहले आया हूं ट्विटर पर। तो खैर अब उनके समर्थक मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये ट्विटर पे मांग रहा है और सब्सक्राइबर ढूंढ रहा है इसको नौकरी से नहीं। देखिए पत्रकार खुश है पत्रकार की नौकरी जाने से, तो हम यहां तक आ गए हैं। लेकिन वो जब उन्होंने सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो एक मामले में तो मेरी जीत हुई, कम से कम मुझे फॉलो कर रहे हैं और ठीक से अच्छे के लिए फॉलो कर रहे हैं। तो यह है कि आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री को क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा, राहुल गांधी और मुझे क्यों यूट्यूब पर आना पड़ा। दोनों के कारण अलग हैं। प्रधानमंत्री के पास, अगर बाजार का मीडिया उसे छोड़ ही दीजिए, बेहिसाब दूरदर्शन के तमाम चैनल हैं, आकाशवाणी के तमाम चैनल हैं, इसके बाद भी उन्हें YouTube पर जाकर कहना पड़ा कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए नहीं कि टेलीविजन के बताया जाता है कि दर्शक कम हो गए हैं, ये कुछ कारण रहे होंगे, या फिर इन एंकरों की साख खत्म हो गई है तो अब ज्यादा उससे वसूली नहीं हो रही है, पर मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादा मजबूत कारण नहीं है। हमें यह कभी भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि YouTube का जो स्पेस है वो कोई गैर सांप्रदायिक स्पेस है, वहां पर ज्यादा सांप्रदायिकता, मुख्यधारा के गोदी मीडिया से कहीं ज्यादा सांप्रदायिक पत्रकारिता या फिर सामग्रियां, ऐसे कार्यक्रम मजबूती से जमे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री उनके तक पहुंचने के लिए कह रहे हैं कि मुझे भी सब्सक्राइब कर लो और अपने अपने कार्यक्रम में मेरा भी थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करो, तो ये किया है। लेकिन राहुल गांधी को मीडिया ने जिस तरह से ब्लॉक किया, एक विपक्ष के नेता को, वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अदाणी के मामले पे तो वो तो कभी दिखाया नहीं जाता है, कभी उस पर बहस नहीं होती कि राहुल, क्योंकि जब आप बहस करेंगे तो अदाणी पर जितने भी खबरें छपी हैं वो सब रिसर्च में ऊपर आ जाएंगे, प्रवक्ता बोलने लग जाएगा, तो करना ही नहीं है। तो इस तरह से आपके सामने ये स्थिति बना दी गई है। सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू जब राहुल गांधी कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा अपने लिए नहीं कि भारत की पत्रकारिता इस हाल में हो गई कि विपक्ष के नेता को पत्रकार बनना पड़ रहा है और जो पत्रकार है वो विपक्ष की हत्या कर रहा है, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। और ये भी लगा कि जिस नेता को मीडिया ने मजाक उड़ाया और कमजोर साबित कर दिया, उस नेता ने अपने एक इंटरव्यू से लाखों करोड़ की इंडस्ट्री वाले मीडिया को हमेशा हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया कि जब तुम नहीं हो तो हम विपक्ष का नेता भी बनेंगे और हम इंटरव्यू भी करेंगे। ये बहुत दुखद क्षण था जब मैं उस इंटरव्यू को देख रहा था, देखते समय हर क्षण मुझे बहुत दुख हो रहा था कि इतना बड़ा देश, इस मीडिया का इकबाल इतना गिर गया कि नहीं, अभी हम भ्रम में नहीं रहते हैं। लेकिन खैर, 7 फरवरी 2023 को, मैं अब बात खत्म कर रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था
कि इन लोगों को ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पर आए हैं, ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया। जो आरोप विपक्ष लगा रहा था कि आप ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उस आरोप की स्वीकृति वो संसद में कर रहे थे कि ईडी के कारण इनकी एकजुटता हुई है, ईडी ने इनको ला दिया है। जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए, देखिए अब वो मतदाता को भी कोस रहे हैं, जो काम देश के मतदाता नहीं कर पाए वो ईडी के लोग कर रहे हैं। तो ये एक सवाल था। और इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पे भरोसा, ये देखिए जिनके पास गोदी मीडिया का निरंतर सुरक्षा चक्र है, वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है, मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जिन्होंने कितनी खिदमत की उनके बारे में वो कह रहे हैं कि मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ, जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए हैं। आज चुनौती ये है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, या बचे हुए लोकतंत्र को जिंदा रखना है कि जितना है उतना ही रख लें, तो इस मीडिया से लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। इस दौरान 10 साल जो 2014 जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो तारीख नहीं है, बदलाव का एक युग है, सरकार से शक्ति लेने लगा और पूछना बंद कर दिया, सरकार से जनता से पूछने लगा, आपको चिन्हित करने लगा, आपके लेखकों को चिन्हित करने लगा, उन्हें गद्दार, देशद्रोह, तरह तरह के नामों से पुकारने लगा। वो एक तरह से जैसे चुनावों के समय पहले बाहुबली हुआ करते थे, उसी तरह से अब ये सूचना के नए बाहुबली हैं। ये सारे लोग लठायत हैं, इनका काम आपको सूचना देना नहीं है बल्कि यहां की सूचना कहीं और ना पहुंच जाए उसे रोकना है। ये सूचना के लठायत हैं ये सारे जो अभी आए हैं। ज्यादा अच्छा शब्द गुंडा लगता है लेकिन ठीक नहीं लगता, क्योंकि गुंडो वो कहीं और भी उसके कई सारे अर्थ निकल आते हैं उसके। तो इसीलिए आप देखेंगे कि वो जनता को धमकाता है। यहीं पे जब ओलंपिक पदक विजेता महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी, कहा करती थी कि हमारा इंटरव्यू लेने तो बहुत लोग आते हैं, पर दिखता कहीं नहीं है, उन्हें नहीं दिखाया गया। और जब किसान आंदोलन करने गए तो बिना जाने पड़ताल किए मीडिया ने झट से उन्हें आतंकवादी कह दिया। ये कभी नहीं हुआ। जिन्हें अन्नदाता कहा जाता था, पता नहीं किसानों के लिए कितनी अलंकृत शब्दावलियां विकसित कर दी गई थी कि ये हैं वो हैं, उन्हें एक झटके में आतंकवादी कह दिया गया, आंदोलनजीवी कह दिया गया। तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब हमें इनसे अपनी शक्ति नहीं चाहिए। तो जब मीडिया जनता का ही विरोधी हो जाए, विपक्ष का विरोधी हो जाए, तो उससे उम्मीद करना कि वह किसी तरह से संविधान का पालन करेगा अपने खाली समय को बर्बाद करना है, मैं तो नहीं करता। लोकतंत्र विरोधी होने के लिए जरूरी था कि मीडिया जनता और विपक्ष दोनों को बाहर कर दे अपनी परिभाषा से और अपने काम से, उसने कर दिया। इसलिए 2014 सिर्फ तारीख नहीं है, बदलाव का युग है। तो इसकी आड़ में वो अपने झूठ को सच साबित करता है और इसने खुद को खबरों से, सूचनाओं से विहीन कर लिया है, लोकतंत्र को जनता और विपक्ष से विहीन कर दिया है। इस मीडिया के स्क्रीन पर विपक्ष और जनता अब नजर नहीं आती है। इसकी खबरों का अब एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुंदर चेहरा है। इस चेहरे के बगैर उसके पास कोई और सूचना नहीं है। एक नई तरह की सूचना गढ़ी गई ताकि लोगों को पता न चले कि सूचना गायब है। इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अलग अलग राज्यों में घटती भी रही, बढ़ती भी रही, लेकिन उनके प्रति गोदी मीडिया एक समान से निरंतर निष्ठावान बना रहा, क्योंकि वह उनमें समाहित हो चुका है। वही उनके संपादक हैं, वही उनके समाचार हैं, वही उनके विचार हैं, वही उनके प्रचार हैं। आप सभी आचार हैं और बेकार हैं। इस मीडिया में आप मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल सबके गुण देख सकते हैं, मगर विपक्ष को जब यह दिखाता है तो मरियल सा बताता है, उसका उपहास उड़ाता है, विपक्ष के सवालों को कभी जगह नहीं देगा, अदाणी और पुलवामा को लेकर कभी सवाल नहीं करेगा। आप धर्मनिरपेक्षता से सांप्रदायिक बहुत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता से धर्मनिरपेक्ष होने में या मानव होने में, मानवीय गुणों से अपने आप को उस पर लाने में बहुत ही असाध्य प्रक्रिया है। यह सबके बस की बात नहीं है। जो एक बार सांप्रदायिक होता है वो बहुत लंबे समय के लिए सांप्रदायिक होता है, और जो सांप्रदायिक होता है वो उसके साथ साथ हत्यारा भी होता है। अगर हत्यारा नहीं होता है तो हत्या का समर्थक होता है। तो इतना आसान नहीं है कि आप उसे एक झटके में कह दें कि तुम गोदी मीडिया मत देखो। वो क्या करेगा?
वो कैसे जिएगा उसे अब जीना भूल गया है वो। जब तक गोदी मीडिया के खिलाफ नागरिकों का आंदोलन नहीं होगा, लोग घर घर जाकर नहीं समझाएंगे, तब तक भारत को लोकतंत्र, लोकतांत्रिक और लोकतंत्र के लिए खड़ा होने वाला मीडिया नहीं मिलेगा। तो आज पत्रकार होने के लिए सांप्रदायिक होना और एंटी मुस्लिम होना पहली शर्त है। और जब आप सांप्रदायिक हो गए तो आप किसी भी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक नहीं हो सकते। वो संभावना आपके भीतर ही खत्म हो गई, वो किसी संस्थान से पैदा नहीं की जा सकती है। और हिंदू मुस्लिम का मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं अक्सर एंटी मुस्लिम का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि अब सब एक तरफा है। तो जब पत्रकारिता सांप्रदायिक हो जाए, उसके भीतर के लोग भीड़ की हत्या पर जश्न मनाने लग जाएं, क्या आप उसे संविधान का पाठ पढ़ा सकते हैं? आज के गोदी मीडिया में हर तरह की बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। एक जो अच्छी आत्मा थी, संविधान की आत्मा, वो मीडिया से बाहर कर दी गई है। अब मीडिया पर छापा पड़ता है तो वह मीडिया के लिए चिंता की बात नहीं। बहुत से एंकर इसकी निंदा अब नहीं करते हैं। न्यूज़ क्लिक पर छापे को लेकर या केरला के मीडिया वन चैनल पर जब प्रतिबंध लगा, NIA का केस था, तो कितने चैनलों ने इस पर बहस की? वो करेंगे भी नहीं। अब इसार शर्मा को लेकर एक सांसद ने नाम ले लिया कि जीन से पैसा ले रहे, कहीं कोई प्रमाण नहीं है। और उस पर मुख्यधारा के गोदी मीडिया ने उस पर बहस भी कर दी। अभिसार खुद पत्रकार है, तो अब पत्रकार को उस मीडिया से लड़ना पड़ रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, तो आम नागरिक की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। अब तो कोर्ट पे भी आप क्या ही कहें, उनका जज लोग दुखी हो जाएंगे कि हमारे बारे में भी छोड़ता नहीं है। जब लोग मुझसे पूछते मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहा मैं बताता हूं उपाय, ऐसा उपाय बताऊंगा कि कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। तुम इस गोदी मीडिया के अखबार और न्यूज़ चैनल को 250 रुपया देना बंद कर दो, इतना काम नहीं होता है। जिन अखबारों में सांप्रदायिक खबरें छपती हैं, जिनके खिलाफ छपती हैं, वो भी लेके पढ़ रहे होते हैं उसे, क्योंकि उनमें उनका भी फोटो छप जाता है कभी कभी। एक और बयान है अशोक जी, वो मैं कहना चाहता हूँ। 2019 का चुनाव हो रहा था, इंडियन एक्सप्रेस के राजकमल झा और रवीश तिवारी अब नहीं है, उनका इंटरव्यू है, और उस इंटरव्यू में एक लाइन है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि उस स्तर का अखबार क्यों नहीं इस लाइन को हेडलाइन में डाला था, और क्या ये एडिटोरियल चूक थी, ये हो ही नहीं सकता है। हम सब जब किसी बड़े नेता का इंटरव्यू करते हैं तो उसकी एक एक बात पे बहुत गहरी निगाह होती है, और उसकी 3-4 बातों में से हम चुनाव करते हैं कि किस लाइन को हम हेडलाइन बनाएं जो लगे कि उसका न्यूज़ वैल्यू ज़्यादा है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं, वेदर न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इज नॉट द ओनली थिंग इन अ डेमोक्रेसी, समाचार प्रकाशित होता है या नहीं लोकतंत्र में यही एकमात्र चीज नहीं है। नमस्कार।